जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो नहीं चलेंगे तो कच्चे ले चलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फाइनली वी आर लीविंग फॉर उज्जैन एंड घर पे कुछ पता नहीं है। एज यूजुअल मैंने सुबह मम्मी से नॉर्मली बात करी है और शक भी नहीं होने दिया कि हम निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सो अभी कल तो हमने शॉपिंग कर ली थी ऑलमोस्ट सारी, अभी थोड़ा सा बचा है जो लेना है, तो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं वो पैक करेंगे। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। वी आर थिंकिंग टू लीव बाय 9 or 9:30। कल आरव का एनुअल फंक्शन है, सो वी हैव टू रीच टू हिज एनुअल फंक्शन एनी हाउ एंड आई वॉन्ट टू गिव हिम अ सरप्राइज ऑल्सो। उसको नहीं पता चलेगा बट हम अगर 9:30 बजे निकलेंगे, 9:30 or 10 ish अगर हम निकल, वी विल बी रीचिंग बाय 12-1 बजे के आसपास। सो उससे ये होगा, आरव तो जा चुका होगा, उसको पता नहीं होगा, हम उसको डायरेक्टली स्कूल में जाके सरप्राइज देंगे। सो या अभी फटाफट से चलते, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है वो लेके एंड देन वी विल लीव। टंकी को करा लिया हमने फुल, अभी इसमें दिखा रहा है 573 किलोमीटर, तो बहुत ही बढ़िया आया है और अभी DA आधे से तो ज़्यादा ही है। मैं सोच रहा था उज्जैन जा करके वहाँ पे इसकी 10,000 किलोमीटर का कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी थर्ड सर्विसिंग कराएंगे। बस अभी थोड़ा सा हवा वगैरह चेक करा लेते हैं यहाँ पे और फिर थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, घर के लिए कुछ लेना है वो ले करके फटाफट गूगल को खाना वाना खिला करके फिर हम 9:30 तक हमारा टारगेट है। कल तो गाइज आपने वीडियो में देखा होगा कि कल रात में हमारा प्लान था बट पूरा फॉग हो गया था, बट हालांकि वो फॉग हमने ऑब्जर्व किया 3-4 बजे तक, वो थोड़ा खत्म हो गया था और आज देखते हैं। हाँ फॉग यही होता ना, एकदम से आता है। एक बार हम पता नहीं कहाँ से आ रहे थे मेरठ वाली रोड पे, ऐसा फॉग हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि मतलब शीशे से मुंडी निकालने के बाद भी जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। रात के 3 बजे हम घर आए थे, मतलब बहुत स्केरी हो गया था। कुछ भी हो जाए, गाड़ियां स्टिल हो गई थी गाइस, बट हम किसी तरह आए थे। तो होपफुली भगवान गणपति बप्पा मोरिया दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, अच्छे से पहुंच जाएं और मजे करके आए दोस्तों और आपको भी मजे दिलाएं ब्लॉग्स में। हम अभी निकले ही थे और गाड़ी का टायर पंचर, ये वाला टायर देखना है, हमें गाड़ी का टायर खुल रहा है और बुलेट सी देखते हैं कितना पंचर है क्या है। जो दिया ऑर्डर वही लो ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? कैसा लग रहा था? पता चला था नाउ वेफल्स इज डन और बिरयानी इज डन, मोमोज है, बियर लेनी है, बियर नहीं, नो आई डू नॉट सपोर्ट ड्रिंक एंड ड्राइव। चल ही तो रहा हूँ यार, आई हूँ नीचे, आग बाग जल रही है दोस्तों, ठंड भी बढ़ चुकी है बस रात में और ठंड बढ़ जाएगी। इधर आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, कर लिया ना। सो गाइस फटाफट से अभी जो बचा हुआ सामान है, क्या लेना था वैसे हमें? चिकन नगेट्स, चिकन ही चिकन खाएंगे अभी, 80 किलो देगी ये नहीं। इधर आ, इधर आ, तो 15 भैया वाले कच्चे लेके चले जाओगे? हाँ तो चल जाएगा, पके हुए तो नहीं चलेंगे, तो कच्चे ही ले चलो। कच्चे दे दो, तो कच्चे एक प्लेट तो 2 प्लेट ले लेते हैं कच्चे। कच्चे तो 2 प्लेट बहुत है यार, नहीं चला तो वेस्ट हो जाएगा। 2 प्लेट कर दो, सर्दी में कम थी यार, मैं सर्दी की वजह से पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि ठंडा रहेगा ना अभी तो मौसम। ट्रेन में? हाँ ट्रेन में, गाड़ी का नहीं, गाड़ी में चल नहीं, बट वैसे करके ले लो आप, कच्चे ना, कच्चे ले लो। ले लिए हैं यूनाइटेड, बचे हैं बिरयानी और चलते हैं। गाइस हमने बिरयानी पैक करा ली है घर के लिए, मोमोज पैक करा लिए हैं, वेफल्स पैक करा लिए हैं एंड भैया के फेवरेट चिकन नगेट्स जो वहां पे नहीं मिलते हैं, सो हमने वो भी पैक करा लिया है, ऑल पैक। अब बस भगवान की मेहर हो कि वो सुबह तक जब तक हम पहुंचे चल जाए बिरयानी एंड मोमोज, बाकी सब तो चल जाएगा सुबह तक, बाकी वो दोनों बस चल जाए। सो
मजा आ जाएगा। एंड या सो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं घर, दीपक को थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है, वो ऑफिस का काम करेगा एंड देन वी विल बी लीविंग फॉर उज्जैन। ये आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। और अभी मैं घर जाके मम्मी से एज यूजुअल 10-15 मिनट नॉर्मली बात करूंगी सो दैट उनको लगेगी हाँ भाई घर पे ही है, कुछ सीन नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और पता है मम्मी ने घर पे सफाइयां निकाली, आज बोलती है मेरे को मैं सफाइयां कर लेती हूँ, तुम लोग तो वैसे भी 28-29 को आ रहे हो और वो भी जाएंगे वो साथ है, मुझे लग रहा है वो गेम खेल रहे हैं वो भी नहीं यार आ, उनको लग रहा है कि बीच में ही हम भी फिर ठीक है इनको सरप्राइज एक्टिव रखने के लिए करते बोल देते हैं नहीं मेरे को नहीं लगता क्योंकि मम्मी सफाइयां नहीं निकालती, नहीं अगर ऐसा होता तो अच्छा। तो मम्मी एक्चुअली है ना मेरी बातों पे विश्वास करती भैया नहीं करता उसको पता है मैं गोली देती हूँ मम्मी तो सेट है, और मम्मी सेट है तो मम्मी पूरे घर को संभाल लेती है। सो ऑल सेट, सुबह मिलते हैं सरप्राइज देने के लिए एंड वी विल कैप्चर एवरीथिंग यार। सब लोगों के रिएक्शन होते हैं, मैं बोल रही हूँ लोगों के नहीं नहीं क्या क्या घर वालों के रिएक्शन होते हैं, आपके फैंस भी आएंगे ना वहाँ पे। ओके अभी मैं देख रही थी एक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें लिखा था बेबी कि गेट पेड बाय जस्ट वॉकिंग, एक स्लीपिंग भी आया था, एक फार्टिंग भी आया फार्टिंग पार्टिंग तो वो आया था जो बंदी जार में भाई भर भर के बेच रही थी तो हाँ पता उससे सोचता हूँ हाँ अगले भाई अगले जन्म में लोग क्या क्या करने लग रहे हैं, मतलब आने वाली पीढ़ी में कोई टट्टी उसके लेके नहाने के लिए भी बोले आप नहाओ पैसा मिलेगा उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा। हमने शॉपिंग करके तो आए, हमने हमारे लिए भी मोमोज लिए थे और ये देखो मोमोज खाए जा रहे हैं और यहाँ पे चाय रख दी है हमने, अब हम फटाफट से मोमोज खा के और निकलेंगे। ये नानी के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, मस्त न्यू स्वेटर पहन के और उसकी पूछ ऐसी मस्त हिल रही है, नानी से मिलूंगा, नानू से मिलूंगा, आला से भी मिलूंगा क्या, वो भैया प्यारी प्यारी करता है ना, कितनी सारी प्यारी करता है गुगू को भैया। हम इसको छोड़ के गए थे बड़ी वाली बोन देके और इसने कुछ बोन नहीं खाई, आराम से सो रहा था और हम जैसे ही घुसे अपनी बोन लेके वो बैठ गया। हाय गाइस, सो अभी हमने सारी अपनी पैकिंग कर ली है, मेरा ऑफिस का थोड़ा सा काम बचा था वो भी मैंने कर लिया है और अभी बज रहे हैं 12:15, बहुत लेट हो गए हैं, हमने प्लान जो करा था 10:30 बजे का बट थोड़ा सा डिले हो गया, बट अभी कोई डिले नहीं करेंगे, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, बाकी का सामान गाड़ी में है, गुगू करा रहा है अपनी ईयर की क्लीनिंग ताकि उसको सफर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओगी आर यू रेडी टू गो? सो गाइस मिलते हैं आपको कार में और पूरे सफर को एंजॉय करते हुए चलेंगे भोलेनाथ का नाम लेते हुए, सो मिलते हैं बाय। फाइनली बाय का टाइम हो चुका है, जय माता दी। बस गूगल को बाहर वॉक करा के फटाफट से इसको सुसु पॉटी करा के एंड देन हमारी गाड़ी रेडी है, अब हम निकलेंगे। फाइनली हम अभी निकले हैं एंड हम सोच रहे थे कोहरा नहीं होगा पर पता नहीं क्यों इस टाइम पे कोहरा हो रहा है, मतलब इतना भी नहीं है बट है थोड़ा तो, सो लेट्स होप भगवान जी हमें गुरु बाबा सुख से जाएं सुख से आएं, बस यही हमारी कामना है। आहट तेरे आने की देती है दिल को सुकून। यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है ये आगरा के पास एक फ्रेश अप होने के लिए, आगरा से पहले सॉरी एक्सप्रेस वे पे है और इसको देखो कोल्ड कॉफी एडिक्ट, लस्सी पीते हैं लोग इस ग्लास में लेकिन हम पी रहे हैं कोल्ड कॉफी, हम दोनों को ही रात में नींद नहीं आती बिना कोल्ड कॉफी पिए।
और एक्चुअली कोल्ड कॉफी पी के थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है. हाँ है ना, आदत सी हो गई है. एब्सोल्युटली, बिकॉज ये जो टाइम होता है ना, इसके पहले अगर हमने कोल्ड कॉफी नहीं पी तो इस टाइम तक आती नींद. और जैसे ही पी लेते हैं दो घंटे ढाई घंटे के लिए, मस्त है, मस्त हो रही है. पापा ने जो बॉटल दी थी ना, क्या बात है. आए थे तो इसमें ठंडा पानी लेके आए थे. हाँ, अब जा रहे हैं तो कोल्ड कोल्ड कॉफी लेके जा रहे हैं. चलो इसको फटाफट से पीते हैं. चेयर्स तो कर लो. चेयर्स भाई, मजा आ गया. गोगी क्या कर रहा है भाई? गोगी मेरे से मस्त बोन खा रहा है. मत छेड़ उसको, मत छेड़. अगर हम लेट पहुंचे ना, सो वी विल गो टू डायरेक्टली स्कूल, उसको सरप्राइज कर फिर घर चलेंगे. सरप्राइज के चक्कर में ये ना हो जाए इतनी एक्साइटमेंट में कि वो बोले अरे दीदा आ गई, बुबू आ गया, जीजू आ रहे. क्या क्या है था भाभी गालियां देंगी क्या? मैं प्रैक्टिस करेंगे सब आज के दिन. इतनी एक्साइटमेंट है ना, वो परफॉर्म कर रहा है ना, इट फील्स लाइक दैट. मतलब एक होता है ना जो मोह है मेरा, मैंने उसको बच्चे की तरह पाला है, तो ऐसा लग रहा है जैसे यार मेरा बच्चा स्टेज पे खड़ा होगा इतने लोगों के सामने, और मैं ना उसको देखने के लिए. और इतनी प्यार से बोला था ना, दीदा प्लीज आ जाओ, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना. सो आई एम लाइक होपफुली अभी जो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2:35 का दोपहर के. उसका फंक्शन स्टार्ट होगा 2 बजे से. सो अगर हम 2:30 बजे 3 बजे तक भी पहुंचते हैं ना, तो 3 बजे अपन डायरेक्टली स्कूल चलेंगे. सबसे पहले उससे मिलेंगे, उसके बाद घर चलेंगे. कॉन्फिडेंस. इसको जब भी मैंने बोला इसने मेरे को टाइम पे हर जगह पहुंचाया है. सो दिस टाइम ऑल्सो फिंगर क्रॉस एंड लेट्स सी. चलो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं. तो दोस्तों ग्वालियर में आपका स्वागत है. ये एकदम रेसलेस हो रखा है गुगी. क्या हो गया बच्चे? आ रही आई हो वॉशरूम गई है ना? आ रही है, आ रही आ रही है, आई आ रही है, आ रही है ना? रुक जा. हाँ आ रही है बाबू, आ रही है, आ रही है वॉशरूम गई है, आ रही है. पापा है ना? क्या आप ही जाओगे बस? हाँ आ रही है.